डीडीएमए की मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि दिल्ली में अब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू हटाने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। नाइट कर्फ्यू का रात का जो समय है वो 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे का कर दिया गया है और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी हटेगा नहीं, उसका बस समय कम कर दिया गया है। 10 की बजाय अब 11 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। हालांकि स्कूल, कोचिंग और जिम अब दिल्ली में खुलेंगे। कोरोना की वजह से एहतियातन ये सब पाबंदियां लगाई गई थी। मानव हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। मानव, तो दिल्ली में अब स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे? हाँ बिल्कुल गौरव, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। 16,000 से ज्यादा अभिभावकों ने पत्र लिखा था दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कि स्कूल खोले जाएं। सरकार ने उस हवाले से कहा था कि जल्द स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खुलेंगे, कौन कौन सी क्लासेस की क्लासेस लगेंगी, ये हमको इसके लिए डिटेल जो ऑर्डर आएगा सरकार उसका हमको इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात यह कि जिम को लेकर लगातार दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे कि जब बाकी चीजें खोल दी गई हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए गए, बार खोल दिए गए हैं, तो जिम वाले प्रदर्शन कर रहे थे कि जिम भी खोले जाए, तो जिम खोल दिए गए हैं। और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में एक बदलाव किया गया है कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता था, वो अब रात के 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसको हटाने की बात की जा रही थी लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू क्यों नहीं हटाया गया? मानो को जानकारी इस बारे में गौरव, अपना सवाल नाइट कर्फ्यू क्यों नहीं हटाया गया जब सब कुछ खोल दिया गया, छोटा सा जवाब गौरव। देखिए लगातार अभी केसेस आ रहे हैं, अभी दिल्ली सरकार चाहती है कि केसेस और कम हो तो जब नाइट कर्फ्यू को हटाया जाए, तो थोड़ा इंतजार इसमें कर रही है क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर ये दबाव व्यापारी संगठनों को बनाया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू हटाया जाए जिससे होटलों को और जो रेस्टोरेंट है उनको नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका मानो इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में राहत दी गई, स्कूल कॉलेज जल्दी खुल जाएंगे, नाइट कर्फ्यू का समय कम कर दिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।